गुड इवनिंग एवरी वन जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी आज की क्लास वैसे तो लोकेश सर लेते हैं लेकिन आज किसी कारण से आपकी क्लास वो नहीं ले पाएंगे इसलिए आपकी आज की क्लास जो है वो मैं ले रही हूँ और मेरा नाम है कीर्ति शर्मा ठीक है बच्चों तो आप सभी ने जो है पिछली क्लास में जो है क्या पढ़ा था क्या आप कोई बच्चे मुझे बता सकते हो आप चाहो तो इन कॉल मैसेज जो आपका होता है वहां पर भी लिख के बता सकते हो है ना आपने जो है पिछली क्लासेस में क्या पढ़ा था ठीक है तो आपने बच्चों पिछली क्लास में पढ़ा था परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं ठीक है परिमेय संख्याएं क्या होती हैं नंबर्स ठीक है उनपे आपने क्या पढ़ी थी संक्रियाएं पढ़ी थी संक्रियाएं कौन कौन सी होती है तो बच्चों संक्रियाएं चार तरह की होती है जो हमने पढ़ी है, है ना पहला है जोड़ जोड़ मतलब जोड़ना दूसरा है घटा मतलब घटाना माइनस करना है ना तीसरा है गुणा गुणा मतलब मल्टीप्लाई करना और चौथा है भाग भाग मतलब डिवाइड करना ठीक है बच्चों ये चार आपने संक्रियाएं पढ़ी है लेकिन आपने जो है परिमेय संख्याओं पर सिर्फ दो ही संक्रियाएं पढ़ी है है ना तो चलिए जो आपने दो संक्रियाएं जो है परिमेय संख्याओं पर पढ़ी थी जोड़ और घटाव उससे जो है आपको एक क्वेश्चन अभी आएगा और उस क्वेश्चन का आंसर आपने देना है बच्चों पोल सेक्शन में वैसे तो आप सभी बच्चों को पता होगा पोल सेक्शन कहा होता है है ना लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ बच्चों आपके पास जो है एक स्क्रीन होगी ठीक है ऐसी एक स्क्रीन होगी आपको दिख रही होगी उसके जो है सबसे कोने में ऐसे तीन बिंदु आपको दिखाई दे रहे होंगे जब आप इन तीन बिंदुओं पे क्लिक करोगे तो जो है आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिलेंगे जहां पर एक ऑप्शन होगा सबसे नीचे एक्टिविटीज ठीक है किसका ऑप्शन होगा एक्टिविटीज का ऑप्शन होगा ठीक है जब आप एक्टिविटीज पे क्लिक करोगे तो आपको आएगा कि वन पोल एक्टिव ठीक है लेकिन अभी आपको ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आएगा क्योंकि अभी यहां से कोई भी पोल एक्टिव नहीं है ठीक है आपको दिखाई देगा पोल और दिखाई देगा आपको एक्टिव जब आप इस पोल एक्टिव पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ चार ऑप्शन दिखाई देंगे ठीक है ऐसे नीचे को ए बी सी और डी ठीक है डी अभी दिख नहीं रहा थोड़ा ठीक है एबीसीडी आपको दिखाई देंगे आपको लगता है कि जो भी ऑप्शन ठीक है उस पर आपने ऐसे क्लिक करना है और एंड में आपको एक ऐसा दिखाई देगा वोट क्या करना है वहां आपने वोट करना है ठीक है अगर आपने जो है सही ऑप्शन पे क्लिक कर दिया लेकिन आपने वोट पे क्लिक नहीं किया तो मुझे आपका आंसर नहीं मिल पाएगा ठीक है इसलिए आपने अपने ऑप्शन पे टिक, क्लिक करना है फिर आपने जाकर के वोट करना है ठीक है बच्चों तो आप सभी को यहाँ तक समझ आ गया होगा चलिए तो आपको जो है आगे क्वेश्चन आने वाला है वो आपने देना है पोल सेक्शन में इसीलिए जो है वो आपके आज आप चैट सेक्शन हम ऑफ कर देते हैं जो बच्चे अभी नए ज्वाइन हुए हैं मैं उन सभी बच्चों को बता दूं वैसे तो आपकी क्लास लोकेश सर लेते थे लेकिन आज किसी कारण से आपकी क्लास वो नहीं ले पाएंगे ठीक है बच्चों इसीलिए आपकी आज की क्लास मैं ले रही हूँ ठीक है तो अभी जो है आपके सामने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आएगा पहले हम उस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे उसके बाद ही आपको पोल सेक्शन जो है वो नजर आएगा ठीक है बच्चों तो यहां देखिए आपको पूछा गया है कि नौ बटे चार में जो है आपने योग योग मतलब जोड़ना है सम, सम मतलब जोड़ना है ठीक है मतलब प्लस करना है किसे चौदह बटा बीस को तो चलिए पहले सभी बच्चे इसे जो है अपनी कॉपी पे सॉल्व कीजिए कॉपी पे सॉल्व करने के बाद ही आपने जो है पोल सेक्शन में अपना आंसर देना है ठीक है चलिए पहले आप सभी बच्चे इसे अपनी कॉपी पे सॉल्व कीजिए आपको सिखाया गया है कि कैसे हम जो है रैशनल नंबर्स को परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं ठीक है सभी बच्चे उत्तर देने की कोशिश करेंगे सभी इसे अपनी कॉपी पे सॉल्व कीजिए पोल सेक्शन में जाइए अगर किसी बच्चे को डाउट है कि पोल सेक्शन कहाँ होता है तो बच्चों आप चैट बॉक्स में भी पूछ सकते हो या फिर आप माइक ऑन करके भी पूछ सकते हो ठीक है चलिए सभी, सभी बच्चे कोशिश कीजिए सभी बच्चे इसे अपनी कॉपी पे सॉल्व कीजिए इसे हल कीजिए और फिर अपना उत्तर जो है वो पोल सेक्शन में देना है वेरी गुड कुछ बच्चों के जो है उत्तर वो आ रहे हैं ठीक है तो सभी बच्चे कोशिश करेंगे कि अपना अपना उत्तर दें ठीक है बच्चों ठीक है सभी बच्चे उत्तर दें जिन बच्चों को अगर नहीं पता कि पोल सेक्शन कहाँ है तो बच्चों आप पूछ सकते हो है ना अगर किसी बच्चे को पोल सेक्शन नजर नहीं आता तो बेटा आप अपना आंसर कहाँ देंगे चैट सेक्शन में है ना जब आपका चैट सेक्शन ऑन होगा तब ठीक है बच्चों के जो आंसर है वो आ रहे हैं सभी बच्चे कोशिश करेंगे ठीक है क्लास में तो ज्यादा बच्चे हैं लेकिन पोल सेक्शन में आंसर तो बहुत कम बच्चों का अभी तक आ पाया है इसलिए सभी बच्चे इस कोशिश कीजिए और जल्दी से इसे हल कीजिए अगर आपको ये क्वेश्चन अभी हल करना नहीं आ रहा या तो कोई भी इसमें डाउट है तो आप चैट सेक्शन में सॉरी चैट से तो ऑफ है अभी है ना तो आप माइक ऑन करके बोल सकते हो कि अभी हमसे ये क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है ठीक है एक बार आप इसे समझा दीजिए ठीक है बच्चों लेकिन आपने आंसर सबने देना है चलिए हम दस सेकेंड वेट करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे ठीक है टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन ठीक है तो आपका पोल सेक्शन एंड होने वाला है चलिए

हर है हर हर मतलब ठीक है उनके जो हर है, वो कैसे होने चाहिए बच्चों वो होने चाहिए बराबर लेकिन क्या चार और बीस आपस में बराबर है जी नहीं चार तो चार है और बीस तो बीस है अगर यहाँ पर चार है और यहाँ पर भी चार ही होता तो हम कहते हैं ये दोनों तो बराबर है लेकिन ऐसा तो नहीं है यहाँ चार है और यहाँ कितना है बीस ठीक है तो हम क्या करेंगे हम कुछ इस तरह से इन इनके साथ कुछ नंबर्स को गुणा करेंगे जिससे क्या हो इनके जो हर है वो बराबर हो जाए इसके जो है बहुत सारे तरीके होते हैं है ना हम चाहे तो इनका एल्जिम ले सकते हैं या कोई भी तरीका अपना सकते हैं जो मेरा तरीका है वो थोड़ा सा अलग है जो आपको सर ने करवाया होगा वो थोड़ा सा अलग होगा ठीक है <coughs> मेरे तरीका जो है वो थोड़ा सा सिंपल भी है तो उसमें मैं क्या करती हूँ देखिए क्योंकि हमने हर को बराबर करना है तो मैं क्या करूंगी मैं चार में ऐसी क्या संख्या गुणा करूं कि वो बीस बन जाए अब बीस को तो मैं चार बना नहीं सकती है ना तो चार, लेकिन चार को तो बीस बनाया जा सकता है तो चार में अगर मैं पांच को गुणा कर दो तो मुझे पता है मेरा उत्तर क्या आ जाएगा बीस अब क्योंकि मैंने हर में पांच से गुणा किया है ठीक है तो मुझे अंश में भी पांच से गुणा करना पड़ेगा ठीक है और जमा का निशान वैसे का वैसा और इसको हम नहीं छेड़ेंगे क्योंकि ये तो कैसा है हम इसके बराबर ही तो इसे बनाने जा रहे हैं ठीक है तो यहां तक हमने क्या किया चार को जो है बीस बनाने के लिए पांच से गुणा कर दिया अब उसके आगे हम क्या करेंगे जो भी हमारा गुणा करके उत्तर आता है हम उसे लिख लेंगे जैसे कि सबको पता है नौ पंजी कितना होता है पैंतालीस ठीक है और चार पंजी कितना होता है बीस जमा चौदह बटा बीस अब क्योंकि हमारे हर बराबर हो चुके हैं तो हम हर को जो है सिर्फ एक ही बार लिखेंगे ठीक है और अंश को क्या करेंगे आपस में जोड़ देंगे ठीक है बच्चों अंश को हम क्या करेंगे आपस में जोड़ देंगे तो जब हमने अंश को आपस में जोड़ा तो हमने क्या किया देखिए यहां पर पैंतालीस जमा चौदह पांच में चार जोड़ोगे तो कितना आएगा नौ और चार में एक जोड़ोगे तो कितना आएगा पांच तो ये कितना आ गया उनसठ फिफ्टी नाइन अपॉन ट्वेंटी ठीक है तो क्या ऐसा कोई उत्तर है जो हमें ऑप्शन में देखने को मिले हाँ वो कौन है ऑप्शन नंबर ए ठीक है तो इसका सही उत्तर क्या होना था ऑप्शन ऑप्शन नंबर नंबर ए ए तो जिन बच्चों बच्चों ने ए पे टिक किया है वेरी गुड आपका उत्तर सही है बहुत बच्चों ने उत्तर नहीं दिया है और कुछ बच्चों ने गलत उत्तर भी दिया है ठीक है बच्चों तो अगर आपको समझ आ गया कि इसका उत्तर ए क्यों है तो आप वाई टाइप कर सकते हो फिर हम आगे बढ़ेंगे अगर आपको समझ नहीं आया तो आप अभी के अभी अपना डाउट जो है वो पूछ सकते हो ठीक है बच्चों सभी बच्चे अपना उत्तर देंगे अगर आपको समझ आ गया तो आप वाई टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में अगर आपको समझ नहीं आया तो हम फिर से इसे समझ सकते हैं है ना ठीक है एक बच्चे का जो है वो उत्तर आ चुका है जो बच्चे अभी नए ज्वाइन हुए हैं उन बच्चों को मैं बता दूं कि वैसे तो आपकी क्लास लोकेश सर लेते थे लेकिन किसी कारण आपकी क्लास वो आज नहीं ले पाएंगे ठीक है इसलिए आपकी आज की क्लास मैं ले रही हूं नेक्स्ट आपकी क्लास जब भी होगी वो लोकेश सर ही लेंगे ठीक है बच्चों चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं देखिए इसका सही उत्तर क्या था ऑप्शन नंबर ए ठीक है चलिए एक और आपके पास प्रश्न है यहाँ पर अब आपने क्या करना है माइनस करना है घटाना है तो ये है उन्नीस बटा सात इसमें से आपने माइनस करना है इक्कीस बटा पांच को लेकिन इसका उत्तर आपने कहा देना है कोल सेक्शन में इसलिए आपका सेक्शन जो है वो ऑफ हो चुका है ठीक है पहले सभी बच्चे इसे अपनी कॉपी पे हल कीजिए अच्छे से हल कीजिए और उसके बाद जो है सेक्शन में जाके अपना उत्तर दें चलिए जो भी आपको तरीका आपके सर ने सिखाया है आप उस तर, उस तरीके से इससे हल जो है वो कर सकते हो ठीक है बच्चों चलिए सभी बच्चे कोशिश करेंगे जिन बच्चों का जो है हल होता जाएगा वो बच्चे अपना उत्तर जो है चैट सॉरी पोल सेक्शन में जो है वो देते जाएंगे ठीक है बच्चों जो भी आपको तरीका आपके सर ने सिखाया आप वैसे कर सकते हो ठीक है जैसा आपको ठीक लगता है क्योंकि यहाँ पर भी हम घटा रहे हैं तो हम क्या करेंगे सबसे पहले इनके हरों को देखेंगे क्या इनके हर एक समान है नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा इन्हें बराबर करना पड़ेगा है ना तो पहला स्टेप तो सभी का यही होगा तो सभी बच्चे कोशिश कीजिए जब आपने एक बार हर बराबर कर लिए फिर तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा ठीक है, है कुछ बच्चों के उत्तर आ चुके हैं बाकी बच्चे भी कोशिश करेंगे सभी बच्चे कोशिश करेंगे पोल सेक्शन में अपना आंसर देने की अगर आपको यह सवाल समझ नहीं आया है तो आप माइक ऑन करके भी पूछ सकते हो ठीक है बच्चों ठीक है उत्तर आ रहे हैं सभी बच्चे कोशिश करेंगे अच्छा अगर किसी बच्चे को डाउट है कि पोल सेक्शन कहाँ होता है तो बच्चों आप अभी माइक ऑन करके पूछ सकते हो कि हमें नहीं पता एक बार फिर से बता दीजिए ठीक है सभी बच्चे कोशिश करें उत्तर देने की आप इसे हल्की जी आपका उत्तर जो आता है आप उसे जाके क्लिक करके वोट करके अपना आंसर दे दीजिए ठीक है ठीक है काफी उत्तर आ चुके हैं वेरी गुड ठीक है तो हम 10 सेकंड और वेट कर लेते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे ठीक है बच्चों तो 10 सेकंड के अंदर अंदर जिन बच्चों का अगर अभी हल कर रहे हैं उनका हो जाएगा तो ठीक है वो अपना उत्तर दे दीजिएगा अगर आपको लगता है कि नहीं हो पाएगा तो आप माइकॉन करके बोल सकते हो कि थोड़ी देर वेट करें चलिए तो हम शुरू करते हैं दस से गिनती टेन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन चलिए आपका पोल सेक्शन जो है वो एंड हो चुका है जिन बच्चों को पोल सेक्शन नजर नहीं आता बेटा आप अपना आंसर कहाँ दे सकते हो चैट सेक्शन में ठीक है तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा और कैसे होगा तो देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा नंबर वन की इनके जो हर है वो बराबर होने चाहिए लेकिन इनके हर तो बराबर नहीं है है ना तो इसका जो है दो तरीके हो सकते हैं कि आप उसका क्या कीजिए निकाल लीजिए मतलब ल लघुतम है ना तो, जो हम इसका LCM निकालेंगे, तो इनका एल्सियम आएगा पैंतीस ठीक है आप सभी ने निकाला होगा तो आपका भी यही आया होगा है ना इसका इनका एल्सियम जब पैंतीस आया तो बच्चों इसका मतलब होता है कि आपके हर में जो है वो अब पैंतीस ही आना चाहिए अब आप इस परिमेय संख्या में कुछ ऐसा गुना कीजिए कि हर में जो है वो पैंतीस आए तो हम क्या गुना करेंगे हमें पता है कि हर में कौन है हर में तो सात है तो सात में हम ऐसा क्या गुना करें कि पांच आए ठीक है तो सात को गुना कर दिया पांच से सात पंच कितना होता है पैंतीस और क्योंकि हमने हर में जो है गुना किया है तो हमें अंश में भी जो है वो पांच से ही गुना करना होगा ठीक है तो पहला नंबर हम किससे पहला परिमेय संख्या हम से गुना करेंगे से अब माइनस गुना करना पड़ेगा सात से ठीक है इसको सात से गुणा किया अब मैंने हर में सात से गुणा किया तो मुझे अंश में भी सात से ही गुना करना होगा अच्छा मैंने यहां पर सात से गुना क्यों किया कोई बता सकता है क्यों किया क्योंकि जो मेरा लघुतम समाप्त था एल्सियम था वो पैंतीस आया था तो मैंने जो है अपने हर में कुछ ऐसा गुना करना था कुछ ऐसी संख्या से गुना करना था कि जो उत्तर है वो पैंतीस आए ठीक है इसलिए मैंने यहाँ पर किससे गुना किया सात से और यहाँ किससे गुना किया पांच से ठीक है ठीक है मनोज वर्मा जी के नाम से जो बच्चा है उन्होंने हैंड हैंड्रेस किया है बेटा अगर आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो अगर आप गलती से हुआ है तो कोई बात नहीं है? जिन बच्चे बच्चे ने हेन्डरी किया है बेटा अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो अगर गलती से हुआ है तो हम आगे बढ़ते हैं चलिए ठीक है तो इसलिए मैंने यहाँ पर सात से गुना किया और यहाँ पर पांच से गुना किया अब इसे देखते हैं तो उन्नीस को पांच से गुना करेंगे तो कितना आएगा तो उन्नीस को पांच से गुना करेंगे तो मेरा उत्तर आया नाइन्टी फाइव और यहाँ पर आया पैंतीस ठीक है और इक्कीस को सात से गुना किया तो उत्तर आया एक सौ सैंतालीस ठीक है और पांच सात पैंतीस आपको शायद आपके सर ने किसी दूसरे तरीके से समझाया हो ठीक है तो वो तरीका भी ठीक है ये तरीका भी ठीक है ठीक है तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है जो तरीका आपको ठीक लगता है इजी लगता है एक बार लिख दिया पैंतीस और जब हमने एक में से नाइन्टी को घटाया तो कितना आया हमारे पास सात में से पांच गए दो और चौदह में से नौ गए तो पांच ठीक है बावन लेकिन ये परिमेय संख्याएं हैं और हमें दिख रहा है कि जो बड़ी हमारी संख्या है उसके पास कौन सा चिन्ह है माइनस का चिन्ह है आपने जो है ये पहले पढ़ा होगा है ना जब आपने के बारे में पढ़ा था, तो था चिन्ह है, होते हैं प्लस माइनस ये, है। है। है, ये बहुत अहम भूमिका निभाते हैं क्योंकि बड़े के पास माइनस का साइन है तो इसीलिए जो हमारे उत्तर का चिन्ह होगा वो भी क्या होगा बच्चों वो भी माइनस ही होगा ठीक है अब जरा हम ऑप्शन पर नजर डालते हैं तो ये तो पहले ही गलत हो गया क्योंकि

तो बहुत बच्चों ने सी पर जो है वो टिक या फिर सी ऑप्शन को जो है वो सही उत्तर बताया था ठीक है कुछ बच्चों ने गलत आंसर भी बताया था तो जिन बच्चों ने गलत आंसर बताया था बच्चों आपको पता लग गया कि आपकी गलती कहां हुई अगर आपको समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हो अगर आपको समझ आ चुका है तो आप वाई टाइप कीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं ठीक है, है? चलिए सभी बच्चे उत्तर देंगे अगर आपको समझ आ गया है तो हम आगे बढ़ेंगे आप वाई टाइप कर दीजिए अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो बच्चों आपने अभी के अभी उस डाउट को क्लियर करना है ठीक है, वेरी गुड चलिए तो हम आगे चलते हैं हाँ तो इसका सही उत्तर क्या था सी ठीक है चलिए तो आज जो हम संक्रिया पढ़ने वाले हैं अपने परिमेय संख्याओं पर वो है गुणा ठीक है तो इससे पहले आप मुझे बस एक सवाल का जवाब दीजिएगा कि क्या आप लोगों ने पढ़ा है कि भिन्नों को कैसे गुणा किया जाता है जो हमारे भिन्न होते हैं फ्रैक्शन होते हैं जैसे कि ये देखिए दो बटा तीन ठीक है चार बटा दो ठीक है ठीक है एक बच्चे का जवाब आया है कि हाँ हमने पढ़ा है वेरी गुड बहुत अच्छे है ना तो बस उसी उसी बेसिस पे जो है हम जो है अपने आगे वाला टॉपिक भी अब पढ़ने वाले हैं चलिए तो आपके लिए जो पहला उदाहरण है वो है कि माइनस छ बटा पांच को चार से गुना कीजिए ठीक है लेकिन हमने तो कहा कि हम तो परिमेय संख्याओं का गुणन पढ़ने वाले हैं ठीक है ठीके? लेकिन क्या ये परिमेय संख्या है क्या चार एक परिमेय संख्या है क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है अब या एन टाइप कर सकते हो कि जो आपका चार है वो एक परिमेय संख्या है या नहीं क्योंकि हमने तो पढ़ा है कि परिमेय संख्या को तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है लेकिन चार तो चार है ठीक है बच्चों आप बता सकते हो आपके मन में कोई भी आपके मन में अगर तो कोई जवाब आ रहा है आपके मन में ये सारा तो आप ये लिखिए आपके मन में नो आ रहा है आप नो लिखिए क्या चार एक परिमेय संख्या है सभी बच्चे उत्तर देंगे ठीक है ठीक है वेरी गुड हाँ चार एक परिमेय संख्या है क्योंकि चार को हम इस रूप में लिख सकते हैं कैसे अगर मैं चार लिखूं और चार के नीचे मैं ऐसे एक लिख दूं तो ये हमारी p अपॉन q के रूप में व्यक्त हो चुकी है है ना तो वैसे हम इसे यहां लिख सकते हैं एक, ठीक है तो चलिए इन्हें गुणा करने के लिए कुछ नहीं करना होता बच्चों आप सभी को पता होगा कैसे गुणा किया जाता है जो आपके अंश होता है ठीक है देखिए परिमेय संख्या में क्या होगा एक अंश होगा और एक हर होगा ठीक है उसको हम गुणा करेंगे दूसरी परिमेय संख्या में भी क्या होगा एक अंश होगा तो दूसरा हर होगा है ना तो गुणा करने के लिए हम कुछ नहीं करते बिल्कुल सिंपल है इसमें हमें नहीं देखना है कि इनके हर बराबर हैं कि नहीं है हम ये नहीं देखेंगे अब हम हरों के बारे में कुछ भी नहीं देखेंगे जैसे हम प्लस माइनस में देखते थे ना प्लस माइनस में हम क्या देखते थे कि हर बराबर होने चाहिए लेकिन यहां पर हमें ऐसा कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है हम क्या करेंगे हम सीधा अंश को अंश से गुणा कर देंगे ठीक है और हर को हर से गुणा कर देंगे तो अगर मैं इसके अंश को अंश से गुणा कर, तो कर दूं, तो क्या उत्तर आएगा और हर को हर से गुणा कर दूं, तो क्या उत्तर आएगा? आप सभी बच्चे चैट बॉक्स में बताइए सभी बच्चे कोशिश करेंगे बताने की तो बहुत ही इजी है बस आपने इतना ही बताना है कि छे को चार से गुणा करने पे क्या प्राप्त होगा और पांच को एक से गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा ठीक है बच्चों सभी बच्चे कोशिश करेंगे अपने बॉक्स में आंसर दीजिए छे को चार से गुणा करने पे क्या आएगा और पांच को एक से गुणा करने पर क्या आएगा आप चाहो तो माइकॉन करके भी बोल सकते हो ठीक है अगर आपको लग रहा है कि लिखने में थोड़ा समय ज्यादा लग जाएगा है ना बटा कैसे लगा या कुछ भी तो आप माइकॉन करके भी बोल सकते हो चलिए ठीक है आपको मैं ही बता देती हूँ छे को अगर हम चार से ठीक है ठीक है वेट कर ले ओ ठीक है वेरी गुड जो है अभी दो बच्चों के उत्तर आ चुके हैं बहुत बढ़िया है ना इन्होंने जो है उत्तर बिल्कुल ठीक दिया इन्होंने तो साइन के साथ उत्तर दे दिया है ना वेरी गुड ठीक है बलजीत जी के नाम से जो बच्चा है बेटा आपने शायद गलती से चौबीस को पच्चीस लिख दिया होगा है ना और आपका उत्तर सही है ठीक है लेकिन आपने चौबीस की जगह क्या लिख दिया है पच्चीस ठीक है चलिए तो देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा सभी को पता है छे को चार से गुणा करने पर क्या आएगा छ चौके चौबीस और पांच को एक से गुणा करने पे क्या आएगा पांच कम पांच तो अंश अंश को गुणा करके उत्तर अंश में लिख दिया हर हर को गुणा करके उत्तर हर में लिख दिया ठीक है अब क्योंकि ये भिन्न नहीं है ये क्या है परिमेय संख्या है और परिमेय संख्याओं में जो है वो चिन्हों का बहुत अहम भूमिका जो है वो होती है चिन्ह मतलब क्या प्लस या माइनस उत्तर में क्या आएगा तो हम सभी ने पढ़ा है कि जब हम गुणा करते हैं ना जब हम गुणा करते हैं और अगर जो चिन्ह होते हैं वो कैसे होते हैं जो चिन्ह अगर कैसे होंगे अगर हमारे जो चिन्ह है दोनों संख्याओं के पास वो समान होंगे कैसे होंगे एक समान एक जैसे है ना समान होंगे तो उत्तर में हमेशा किसका चिन्ह आता था प्लस का अगर चिन्ह भिन्न भिन्न होते थे या अलग होते थे ठीक है यहाँ पर भिन्न ना लिख हम क्या लिखेंगे अलग ठीक है एक दूसरे से क्या होते थे अलग होते थे तो उत्तर में कौन सा चिन्ह आता था उत्तर में आता था माइनस तो अब यहाँ पर देखिए जो मेरी पहली परिमेय संख्या है वो ऋणात्मक है वो माइनस की है है ना और जो मेरी दूसरी परिमेय संख्या है वो धनात्मक है पॉजिटिव है तो प्लस और माइनस दोनों एक दूसरे से अलग अलग है इसीलिए उत्तर का चिन्ह कैसा होगा माइनस इसलिए उत्तर में क्या कौन सा चिन्ह आएगा बच्चों माइनस का ठीक है अब देखिए यहाँ पर एक सवाल और उठता है अगर हम ऐसे लिखें इसको तीन माइनस ठीक है तीन बटा माइनस पांच तो अब इसका मतलब क्या है क्या इसका मतलब यह है कि पांच माइनस का है तो बच्चों जब भी आपको कोई परिमेय संख्या दी जाए ठीक है उसका जो चिन्ह हो चाहे वो अंश में हो चाहे वो हर में हो ठीक है चाहे ऐसा लिखा हो ऐसा या फिर ऐसा लिखा हो इस इन दोनों का जो अर्थ है वो एक ही होता है और वो क्या होता है कि जो आपकी परिमेय संख्या है वो ऋणात्मक है वो नेगेटिव है ठीक है चाहे अंश में हो चाहे हर में हो उससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा हम क्या करेंगे हम बोलेंगे कि ये कैसा है ये जो चिन्ह होता है ये सिर्फ दर्शाता है कि कैसी हमारी संख्या है क्या वो ऋणात्मक है क्या वो धनात्मक है ठीक है बच्चों चलिए तो यहाँ तक तो सभी ने जो है उत्तर बिल्कुल सही दिया था अब हम आगे बढ़ेंगे

चिन्ह है वो अलग अलग है तो उत्तर में हम माइनस का जो है वो चिन्ह लगाएंगे ठीक है वेरी गुड तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं देखिए तो यहाँ पर भी ऐसे ही जो है वो गुणा किया गया है लेकिन यहाँ पर क्या है यहाँ पर जो है इन्होंने चार के नीचे एक ना लिख के इसे सीधा चार ही लिखा है और इस चार को हम कहा मानते हैं अगर ऐसा लिखा गया है देखो माइनस छह बटा पांच गुणा चार तो ये चार जो है वो हमेशा अंश माना जाएगा ठीक है इसे कभी भी आपने हर नहीं मानना है ये चार का मतलब क्या है कि ये अंश है ये अंश की जगह पर है ये हर की जगह पर नहीं है इसलिए इन्होंने इस चार को किससे गुणा किया छ से गुणा किया और सभी को पता है छह चौके कितना आया था चौबीस चौबीस बटा पांच और चिन्ह कौन सा आया था माइनस क्योंकि दोनों के चिन्ह कैसे हैं अलग अलग है ठीक है चलिए चलिए अब सभी बच्चे इसे गुणा करके दिखाइए वेरी गुड सभी बच्चे कोशिश करेंगे पंद्रह बटा आठ में आपने गुणा करना है तीन बटा बीस को चलिए सभी बच्चे कोशिश करेंगे और अपना अपना उत्तर जो है वो चैट सेक्शन में लिख सकते हैं कि हम क्या करेंगे सबसे पहला स्टेप क्या अब आपको बताया गया कि अंश को अंश से गुणा कर दीजिए और उत्तर अंश में लिख दीजिए हर को हर से गुणा कर दीजिए और उत्तर हर में लिख दीजिए सिंपल है ना और यहाँ पर तो हमें चिन्ह देखने की जरूरत ही नहीं क्योंकि दोनों की ऐसी संख्या है दोनों धनात्मक है, है ना तो सभी बच्चे क्या करेंगे अंश में अंश को गुणा करेंगे हर में हर को गुणा करेंगे और अपना अपना उत्तर जो है वो लिख देंगे चलिए है। सभी बच्चे कोशिश कीजिए पंद्रह को तीन से गुणा कीजिए पंद्रह का पहाड़ा पढ़िए अगर आपको पंद्रह का पहाड़ा याद नहीं आप पंद्रह को तीन से गुणा कर सकते हैं है ना और उसका उत्तर आप अंश में लिख लीजिए फिर आप क्या करेंगे फिर आप हर में हर को गुणा करेंगे आपको दिख रहा है एक आठ है दूसरा बीस है इन दोनों को आपस में गुणा कीजिए और जो उत्तर आया उसे लिख दीजिए है ना जैसे आपने अभी ऊपर उत्तर लिखा था पिछले वाले प्रश्न का वैसे ही आपने यहाँ पर इसका उत्तर भी लिखना है सभी बच्चे कोशिश करेंगे अगर आपको समझ नहीं आया तो आप माइकॉन करके भी बोल सकते हो कि मुझे यहाँ पर दिक्कत आ रही है ठीक है बच्चों चलिए तो हम इसका उत्तर देखते हैं हम्म ठीक है ठीक है ठीक है वेरी गुड बहुत अच्छे बहुत बढ़िया है ना हाँ तो हम देखते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा और कैसे होगा तो बच्चों गुणा करने का भी जो है अब एक दो तरीके हैं बेटा तो, तो, आपकी वॉइस थोड़ी क्लियर नहीं आए या फिर से अपना सवाल पूछ सकते हैं जिन बच्चों ने अभी अपना सवाल पूछा या कुछ कहा बेटा आपकी आवाज जो है क्लियर नहीं आ पाई आप फिर से अपना सवाल पूछ सकते हो या फिर आप अपना जो है वो सवाल चैट सेक्शन में भी लिख सकते हो ठीक है चलिए तो देखते हैं हम यहाँ पर कि कैसे गुणा किया जाए पहले तो आपके पास है मेथड नंबर वन इसमें क्या होता है इसमें कुछ नहीं होता इसमें आप क्या कीजिए डायरेक्ट गुणा कर दीजिए ठीक है और फिर बाद में जो है उसको उसके सरलतम रूप में लिखिए सरलतम रूप मतलब simplest form. Simplest form क्या होती है जब दोनों संख्याएं बड़ी हैं और वो आपस में कट सकती हैं तो उन्हें काट देते हैं और काट करके जो हमारी संख्या बचती है उसे कहते हैं हम उसका सरलतम रूप या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म तो पहले हमने क्या किया पंद्रह किया सबको पता है पंद्रह कितना होता है पंद्रह होता है पैंतालीस ठीक है और आठ को अगर हम बीस से गुना करेंगे तो कितना आएगा आठ दूनी सोलह और जीरो का जीरो ठीक है? अब देखिए अब हमें पता है कि जो पैंतालीस और एक सौ साठ है वो आपस में कट सकते हैं क्यों क्योंकि इसके अंत में पांच है और इसके अंत में जीरो है और सभी ने जो है विभाजकता के नियम भी पढ़े होंगे है ना तो चलिए काटते हैं इसको हम पांच से काटेंगे तो सबको पता है पांच नए पैंतालीस तो यहाँ पर आ गया नौ ठीक है और इसको काटेंगे तो सबको पता है पांच किए पंद्रह और पांच दूनी सॉरी पांच किए पंद्रह दस ठीक है थर्टी टू चलिए तो मेथड नंबर वन से जो हमने अपना उत्तर निकाला वो हमारा आया पैंतालीस है और बहुत अच्छा है 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 ना ये उत्तर भी ठीक है, पर आप अगर इसको इसके सरलतम रूप में भी जो है वो हल कर पाओ तो आपका उत्तर जो है ज्यादा एक्यूरेट माना जाएगा ठीक है ज्यादा सही जो है उसको माना जाएगा पर ये भी जो है वो सही उत्तर ही थी है ठीक है बच्चों वेरी गुड अब हम देखते हैं मेथड नंबर टू मेथड नंबर है है वो आपके गुणा को जो है, थोड़ा सा जो है वो इजी बना देगा कैसे बना देगा चलिए देखते हैं यहाँ पर देखिए पंद्रह गुणा तीन और आठ बटा बीस आप सभी को पता है कि संख्याओं को ऐसे ऊपर नीचे काटा जा सकता है ठीक है लेकिन आपको पता है कि गुणा में जो है संख्याओं को तिरछे भी काटा जा सकता है मैं पंद्रह और बीस को आपस में काट सकती हूँ और आठ और तीन को भी आपस में काट सकती थी अगर यहाँ पर कोई ऐसी संख्या होती जो तीन से विभाजित होती ठीक है लेकिन ऐसा कभी भी जमा में नहीं होगा अगर यहाँ पर लिखा है पंद्रह बटा आठ जमा तीन बटा बीस इस, इस चीज को सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे ठीक है कि अगर आप कभी गुणा कर रहे हो तो आप ऐसे ऊपर नीचे जो है संख्याओं को कट कर सकते हो पॉसिबल है लेकिन अगर कभी आप जमा कर रहे हो तो आप यहाँ पर जो है पंद्रह और बीस को आपस में जो कट है वो नहीं कर सकते हाँ लेकिन इसको और इसको कट कर सकते हो अगर ये कट कट पाती तो लेकिन यही नहीं, नहीं कर सकती है ना तो अल्टरनेट जो है तिरछे में कभी भी आप प्लस में जो है काट नहीं सकते गुणा में आप ऐसा कर सकते हो तो चलिए देखते हैं अगर हम जो है गुणा में ऐसा करें तो इससे जो है हमारे गुणा पर क्या फर्क जो है वो पड़ेगा चलिए तो मैंने क्या किया मैंने पांच का पहाड़ा पढ़ा मैंने किया पांचनीय पंद्रह पांच सौ के बीस ठीक है तो अब जो है मेरा उत्तर क्या आएगा अब देखिए बिल्कुल सिंपल हो गया है ना जो हमारा गुणा है वो क्या हो गया बहुत ही ज्यादा आसान हो गया कैसे क्योंकि देखिए अंश में क्या बच गया तीन और तीन सबको पता है तीन तीन कितना होता है नौ होता है और हर में कितना बच गया आठ और चार आठ सौ के कितना होता है बत्तीस होता है ठीक है तो दो आपको यहाँ पर तरीके सिखाए गए आप चाहो तो पहले पूरा गुणा कर लो फिर काट दो फिर सरलतम रूप में लिख लो या चाहे तो आप पहले काट दो फिर गुणा कर लो ठीक है जो भी तरीका आपको सही लगता है आप उसे कर सकते हो जो ये मेथड नंबर है ये आपका तब काम आएगा जब संख्याएं क्या हो बहुत ज्यादा बड़ी हो ठीक है जब संख्याएं बहुत बड़ी होती हैं तो गुणा करने में जो है हमें क्या होती है दिक्कत का सामना करना, करना पड़ता है ठीक है पर आपने एक बात हमेशा याद रखनी है कि ये सिर्फ गुणा और भाग में ही हो सकता है जमा और घटाने में आप कभी भी ऐसे तिरछे में जो है वो संख्याओं को काट नहीं सकते ठीक है बच्चों यहां तक आपको समझ आ गया तो वाई टाइप कर दीजिए कोई भी डाउट है है तो आपने अभी के अभी के पूछना है, और कभी भी आपने जो है जमा में या माइनस में ऐसा नहीं करना है ठीक है वेरी गुड चलिए किसी को कोई डाउट है तो बच्चों आप बीच में पूछ सकते हो ठीक है क्योंकि माइक ऑन करके आपकी आवाज क्लियर नहीं आती कभी कभी तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप अपना डाउट या अपनी बात जो है वो आगे देखते हैं तो यहां पर भी क्या किया गया पहले इन्होंने देखिए यहाँ पर भी कट किया गया है ना पहले इन्होंने क्या किया यहाँ पर पंद्रह था यहाँ पर तीन कैसे आ गया एकदम से तो कैसे आया वो पंद्रह को काटा पांच से पांच दिए पंद्रह पांच सौ के बीस फिर तीन दिए नौ और आठ सौ के बत्तीस तो हमारा उत्तर आ गया ठीक है बच्चों चलिए तो आपको यहां तक समझ आ गया होगा तो अभी जो है हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं किसके लिए अपनी प्रैक्टिस के लिए चलिए तो आपने जो है ये मुझे हल करके बताना है चलिए इसे आप हल कीजिए थोड़ा सा जो है इसमें ट्विस्ट है अब आपने जो है इसे हल भी करना है और साथ ही साथ उत्तर का चिन्ह भी जो है वो बताना है अब ये आप पे डिपेंड करता है आपने मेथड नंबर वन से करना तो वन से कीजिए टू से करना तो टू से कीजिए अगर आप पहले ही गुणा करना चाहते हो तो पहले गुणा कर दीजिए बाद में काटिए अगर आप पहले ही काट देना चाहते हो तो पहले जो जो कटता है उसको काट दो तो, है ना उसको काट दो और फिर सॉल्व कर लो ठीक है सभी बच्चे कोशिश करेंगे है ना जिन बच्चों को समझ नहीं आया तो बेटा आप फिर से पूछ सकते हो मैं आपको फिर से समझा दूंगी ठीक है पर जब तक आप बोलोगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा आपको समझ आया है कि नहीं तो इसीलिए सभी बच्चों ने जो है वो अपने अपनी जो आपके मन में बात है या कोई भी डाउट है बच्चों आपने मुझसे जरूर पूछना है ठीक है चलिए सभी बच्चे इसको हल कीजिए ठीक है एक बच्चे का जवाब आ चुका है बाकी बच्चे भी कोशिश करेंगे ठीक है सभी बच्चे कोशिश करेंगे है है ना जो भी आपका उत्तर आ रहा है वो लिखिए अगर आपका उत्तर जैसे इन बच्चों ने लिखा वैसे नहीं भी आ रहा तो कोई बात नहीं जो आपका उत्तर आ रहा है जैसा आपका उत्तर आ रहा है बस लिखिए ठीक है अगर आपका उत्तर सही होगा तो भी आपको बताया जाएगा गलत होगा तो भी आपको समझाया जाएगा ठीक है बच्चों ठीक है चलिए तो हम देखते हैं कि इसका उत्तर जो है वो क्या होगा तो अगर हम इसे मेथड नंबर वन से करें जो कि बहुत बड़ा तरीका है है ना क्या करें पहले गुणा करें तो अंश में अंश से गुणा करेंगे तो क्या आएगा सोलह दुनिया कितना होता है सभी को पता होगा छह दूनी बारह और दो कम दो एक तीन ठीक है बत्तीस तो बत्तीस है लेकिन हम उसको जो है बीस से गुणा कर रहे हैं तो क्या आएगा यहाँ पर तीन सौ बीस ठीक है और सोलह पंजे कितना होता है अस्सी होता है और चिन्ह कौन सा आएगा क्योंकि ये एक ऋणात्मक है ना ये माइनस है और ये पॉजिटिव है तो दोनों अलग है, अलग हैं अलग अलग है तो उत्तर में कौन सा चिन्ह आएगा नेगेटिव का अब देखिए हम सभी को पता है कि आठ के पहाड़े में बत्तीस आता है अगर आठ के पहाड़े में बत्तीस आ रहा है तो अस्सी के पहाड़े में भी तो तीन सौ बीस आएगा तो अगर आठ चौके बत्तीस होता है तो अस्सी चौके कितना होगा तीन सौ बीस ठीक है तो हमारा उत्तर आया माइनस का चार जो कि बच्चों ने सबने ठीक लिखा है एक बच्चे ने जो है माइनस चार बटा एक भी लिखा है जो भी क्या है बिल्कुल ठीक है ठीक है दोनों उत्तर कैसे हैं बिल्कुल ठीक है चलिए तो अगर हम इसे अपने दूसरे वाले तरीके से करें है ना मेथड नंबर टू से करें तो बच्चों आप देखिएगा कि कितना इजी जो है वो हमारा गुणा जो है हो जाएगा यहाँ देखिए बीस है यहाँ सोलह है ठीक है यहाँ पर है माइनस सोलह और पांच तो हमने क्या किया हमने देखा कि 20 और 5 भी आपस में कट सकते हैं और 16 और 16 तो आपस में कट ही सकते हैं तो हमने काट दिया 16 16 16 16 एकदम एकदम 20 ठीक है तो अंश में क्या बच गए चार और एक चार एकम कितना होता है चार होता है हर में कितना बच गया एक और एक एकम कितना होता है एक होता है उत, उत, उत्तर में चिन्ह कौन सा आएगा चिन्ह तो कौन सा आएगा माइनस का क्यों क्योंकि ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है तो इसलिए उत्तर में कौन सा चिन्ह आया माइनस का तो देखिए हमने इससे किया तो भी हमारा उत्तर यही आया और हमने इससे किया तो भी हमारा उत्तर यही आया ठीक है इसे आप चाहे ऐसे लिखिए चाहे आप इसे ऐसे लिखिए ठीक है दोनों ही क्या है एक समान है बराबर है ठीक है बच्चों चलिए वेरी गुड तो चलिए अब आप एक और क्वेश्चन करके दिखाइए चलिए Osionfish. अब बच्चों मैंने आपको कहा कि जो हम गुणा करते हैं तो हम ऐसे तिरछे में जो है वो कट कर सकते हैं ठीक है लेकिन हम जो है ऊपर नीचे भी कट कर सकते हैं मतलब कि दो कहीं से कहीं को भी आप काट लो आप चाहे ऊपर नीचे वालों को काट लो आप चाहे तिरछे को काट लो गुणा में कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन प्लस में बहुत फर्क पड़ता है ठीक है प्लस में आप कभी भी तिरछे को नहीं काटोगे ठीक है गुणा में आप काट सकते हो तो, तो देखिए ये भी सिंपल है इसमें आप मेथड वन लगाओ चाहे मेथड टू लगाओ ठीक है चलिए सभी बच्चे कोशिश करेंगे अपना अपना उत्तर देने की और चिन्ह भी देखने हैं कौन सा आएगा है ना सभी बच्चे कोशिश करेंगे आप चाहे तो इसमें मेथड नंबर वन लगाइए चाहे मेथड नंबर टू लगाइए ठीक है आपका उत्तर जो है वो बराबर ही आएगा एक जैसा ही आएगा चलिए अभी थोड़ा सा वेट कर लेते हैं बाकी बच्चे भी अपना उत्तर जो है वो क्या पता अभी हल कर रहे हूं है ना और लिखने वाले हो फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इसका उत्तर क्या होगा और कैसे होगा फिर बच्चों आपको क्वेश्चन आएगा पोल सेक्शन में ठीक है तो वो भी आपने क्या करना है अपनी कॉपी पे पहले अच्छे से सॉल्व करना है उसके बाद ही जाके पोल सेक्शन में अपना आंसर जो है वो आपने देना है ठीक है चलिए सभी बच्चे कोशिश कीजिए अपना अपना उत्तर लिखिए अगर आपका सवाल जो है वो हल हो चुका है तो ठीक है तो हम दस तक गिन लेते हैं फिर हम देखेंगे इसका जो हल है वो क्या होगा ठीक है बच्चों टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन चलिए तो अगर हम इसमें लगाएं अपना मेथड नंबर वन की क्या कीजिए मल्टीप्लाई कर लीजिए पूरा गुणा कर लीजिए उसके बाद काटिए तो ये देखते हैं क्या होता है सबको पता है छे पंजे कितना होता है छे पंजे होता है तीस और पंद्रह नए कितना होता है पंद्रह नए होता है एक सौ पैंतीस ठीक है अब उत्तर में चिन्ह कौन सा आएगा क्योंकि हमें दिख रहा है कि ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है दोनों ही नेगेटिव है मतलब दोनों कैसे हैं एक जैसे हैं एक जैसे हैं तो उत्तर में कौन सा चिन्ह आता था हमेशा प्लस का ठीक है अब चिन्ह तो हमारा प्लस का आ गया लेकिन क्या अभी ये दोनों नंबर आपस में कट सकते हैं? जी हाँ कट सकते हैं कैसे क्योंकि है, है, तेईस ठीक है ये छह आया और यहाँ पर पांच दोनों दस तीन बच गया वो तीन यहाँ चला जाता है तो ये बन गया पैंतीस पांच सत्य पैंतीस ठीक है यहाँ पर आ गया सत्ताईस अभी भी हमें दिख रहा है कि अभी भी ये कट सकता है किससे कटेगा तीन से छ होता है और तीन कितना होता है सत्ताईस तो दिया हुआ है ठीक है तो वेरी गुड अब हम इसे देखते हैं अपने मेथड नंबर टू से ठीक है बच्चों तो क्या करेंगे हम हम जो है इसे आपस में पहले काट देंगे जो चीज आपस में या जो संख्या आपस में कट रही है उसे काट दीजिए छे और नौ कट सकते हैं किससे कटेंगे तीन से तीन दूनी छे और तीन तीनतीय नौ ठीक है और यहाँ पर पांच और पंद्रह भी आपस में कट सकता है किससे कटेंगे पांच से पांच एकम पांच पांच पांचतीय पंद्रह अब हमारा जो अंश है उसमें बच गया दो एकम दो ठीक है और हर में क्या बच गया तीन तीय नो no. और उत्तर में कौन सा चिन्ह आएगा प्लस का क्यों क्योंकि दोनों जो है वो ऋणात्मक परिमेय संख्या है दोनों के पास नेगेटिव नेगेटिव का साइन है ठीक है बच्चों इसलिए हमने क्या लिया यहाँ पर प्लस का तो देखिए अगर हमने ऐसे किया तो भी उत्तर वही आया अगर हमने ऐसे किया तो भी उत्तर यही आया लेकिन इजी तरीका कौन सा है ये काटने वाला कि पहले ही काट देंगे तो गुणा करने में जो है हमारा समय कम लगेगा ठीक है लेकिन अगर आपने आपको लगता है कि ऐसे में आप थोड़े कंफ्यूज हो जाओगे नहीं कर पाओगे तो आप मेथड नंबर वन कर सकते हो आप पहले पूरा गुणा कर लीजिए लीजिए फिर आराम से उसको काट लीजिए चलिए तो यहाँ तक तो सभी बच्चों को समझ आएगा तो बच्चों आप वाई टाइप कर सकते हो उसके बाद आपको एक क्वेश्चन आएगा जिसका आंसर आपने देना है पोल सेक्शन में ठीक है ठीक है ठीक है वेरी गुड चलिए तो क्योंकि जो आपके सामने अभी स्क्रीन पे आएगा क्वेश्चन उसका आंसर आपने पोल सेक्शन में देना है तो आपका चैट सेक्शन अभी के लिए मैंने जो है वो ऑफ कर दिया है चलिए आपको कहा है कि तीन को गुणा कीजिए माइनस के सात बटा पंद्रह से तो चलिए सभी बच्चे अपनी कॉपी पे पहले इसे सॉल्व कीजिए ठीक है जो आपने मेथड लगाना आप उसे लगाइए वन टू जो आपका मन करता है आप वैसा कीजिए उसके बाद जब आपका उत्तर आ जाएगा तो आपने जो है पोल सेक्शन में जाना है और अपना उत्तर जो है वो वहां पर दे देना है ठीक है सभी बच्चे कोशिश करेंगे ठीक है बच्चों आप जितने भी बच्चे क्लास में हो सभी कोशिश कीजिए कि पोल सेक्शन में अपना आंसर दे पाए आप चाहो तो पहले इसे गुणा कीजिए फिर इसका सरलतम रूप लिखिए या फिर पहले या आप इसे काट के इसका सरलतम रूप लिख लीजिए बाद में चाहे तो आप इनको गुणा कर लीजिए ठीक है जैसा भी आपको जो भी तरीका आपको ठीक लगता है उससे आप इसको हल कर सकते हो ठीक है <coughs> चलिए हम दस सेकेंड वेट करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे अगर आपको लगता है कि 10 सेकंड में आपका क्वेश्चन हल नहीं हो पा रहा है तो आप उसी वक्त माइक ऑन करके बोल सकते हो कि मुझे थोड़ा सा और टाइम दीजिए तो हम पोल सेक्शन को एंड नहीं करेंगे अगर आप नहीं बोलोगे कि थोड़ा और समय चाहिए तो हम पोल सेक्शन को एंड कर देंगे ठीक है चलिए टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन चलिए आपका जो पोल सेक्शन है वो एंड हो चुका है अगर किसी बच्चे को पोल सेक्शन नजर नहीं आता तो बेटा आप अपना आंसर कहाँ दे सकते हो चैट सेक्शन में <coughs> सॉरी चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा और कैसे होगा तो अभी अभी हमने जो अपना पहला सवाल पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो अगर आपको कभी ऐसा लिखा गया हो है ना तो जो आपका ये तीन होगा वो किस में माना जाएगा कि ये कहा है ये अंश में है तो ये अंश में है तो हर में क्या है इसके एक अब ये देखिए अगर हम तो इसमें तो इसमें मेथड फटा नंबर फटाफट से गुना कर लेंगे है ना को तीन से करते तो कितना आया इक्कीस और पंद्रह एकम पंद्रह ठीक है और उत्तर में कौन सा साइन आएगा माइनस का क्यों क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है ठीक है तो चलिए उत्तर हमारा ये आ गया आप जरा इसे काट के देखते हैं तीन से काटेंगे तो तीन सात इक्कीस और तीन पंजे पंद्रह तो हमारा उत्तर आया सात बटा पांच लेकिन कैसा ऋणात्मक मतलब माइनस का ठीक है अब हम इसमें अगर मेथड नंबर टू लगाएं पहले ही कट कर दें तो क्या होगा तो देखिए पहले ही कट कर देंगे अगर तो तीन इक्कम तीन और तीन पंजे पंद्रह तो अंश में क्या क्या बच गया माइनस सात और एक माइनस को एक से गुणा करेंगे तो क्या आएगा माइनस का सात ही आएगा है ना और पांच कम पांच तो देखिए चाहे आप ऐसे कीजिए चाहे आप ऐसे कीजिए उत्तर हमारे पास दोनों टाइम जो है क्या आया बिल्कुल सेम आया ठीक है तो इसका सही उत्तर कौन सा है ऑप्शन नंबर ए अच्छा किसी बच्चे ने शायद गलती से जो ऑप्शन नंबर डी पे क्लिक कर दिया था तो बेटा अगर आपको समझ आ गया कि इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए क्यों है तो आप वाई टाइप कर सकते हो अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि मेरा तो ऐसा आया ऐसा तो नहीं आया तो आप अभी जो है अपना डाउट पूछ सकते हो ठीक है अगर आपको समझ आ गया तो आप सभी बच्चे जो है वाई टाइप कर दीजिए ठीक है बच्चों अगर आपको समझ आ गया तो आप वाई टाइप कर सकते हो अगर कोई भी डाउट है तो आप अभी के अभी पूछ सकते हो तब तक हम इसका सही उत्तर देख लेते हैं तो इसका सही उत्तर क्या है हाँ बेटा कोई बात नहीं अगर आपको गलती से हो गया हो तो है ना आप मुझे, बस मुझे इतना बता दीजिए कि अब आपको यहाँ तक समझ आ गया कि ये कैसे आया होगा ठीक है अगर गलती से हुआ है तो कोई बात नहीं है ना इट्स ओके okay. ठीक है चलिए तो अभी आपके पास एक और क्वेश्चन आने वाला है तो इसीलिए आपका चैट सेक्शन जो है वो ऑफ हो चुका है ठीक है पहले हम क्वेश्चन देखेंगे फिर आपको जो है पोल सेक्शन नजर आएगा चलिए देखिए आपको यहाँ पर कहा गया है कि चार बटा पांच को गुणा कीजिए पांच बटा सात से ठीक है बहुत ही इजी क्वेश्चन है है ना जिन बच्चों का जो है हल होता जाएगा वो बच्चे पोल सेक्शन में जाके अपना आंसर जो है वो देते जाएंगे चलिए बच्चे कोशिश करेंगे पहले इसे अच्छे से हल करेंगे आपने या तो इसे पहले गुणा करना फिर सरलतम रूप में लिखना तो वैसा कर लीजिए अगर आप इसे पहले सरलतम रूप में लिखना चाहते हो फिर गुणा करना चाहते हो तो वैसा कर लीजिए ठीक है जैसा भी आपको ठीक लगे ठीक है एक उत्तर आ चुका है सभी बच्चे कोशिश करेंगे ठीक है सभी बच्चे अपना उत्तर जो है हल कीजिए और उसके बाद देखिए कौन सा ऑप्शन सही है उस ऑप्शन को याद रखिए कि ये ऑप्शन सही था ये वाला मेरा ऑप्शन सही था जो मेरा उत्तर आया वो इस नंबर वाले ऑप्शन में है जाइए और ऑप्शन पे क्लिक कीजिए फिर वोट पे क्लिक कीजिए फिर आपका उत्तर मुझे मिल जाएगा ठीक है बच्चों ठीक है अभी भी कुछ बच्चों के आंसर जो है वो रह रहे हैं तो बच्चों आप जाइए और अपना आंसर जो है वो दीजिए अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो चलिए तो हम जो है दस सेकंड का वेट कर लेते हैं उसके उस बीच अगर आपका हो गया आंसर सॉल्व और आपने आंसर दे दिया तो ठीक है नहीं तो आप जो है माइक ऑन करके बोल सकते हो कि मैम मुझे थोड़ा सा और टाइम चाहिए चलिए टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन चलिए तो आपका पोल सेक्शन जो है वो एंड होने जा रहा है अब और आपका चैट सेक्शन जो है वो ऑन हो चुका है तो आपका जो है जिन को बोल नहीं तो आप चैट और कैसे होगा तो पहले अगर इसने हम अपना मेथड नंबर वन लगाएं तो क्या करेंगे हम गुना करेंगे चार पांच कितना होता है बीस होता है ठीक है और पांच सत्य कितना होता है पैंतीस होता है तो अगर हम इन्हें काटे पांच से कट करोगे तो पांचों के बीस पांच पैंतीस ठीक है तो चार बटा इसके जो है वो आ गया अगर हम इसमें टू कि क्या करना है, पहले काटना है? पहले काट उसके बाद या फिर तो यहाँ पर आ गया एक तो मतलब चार एकम कितना हुआ चार और सात एकम कितना हुआ सात ठीक है तो बहुत इजी क्वेश्चन था और जितने भी बच्चों ने आंसर दिया है बिल्कुल ठीक आपने आंसर दिया है ठीक है तो ऐसे होता है हमारा गुणा चलिए क्योंकि आज की क्लास का समय जो है अब होने वाला है तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं तो बच्चों अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप अभी रुक के मुझसे पूछिए है ना पूछ सकते हो अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो आप क्या कर सकते हो अपने डाउटो अपने डाउट पूछ सकते हो अगर आपको कोई डाउट है अगर आपको डाउट नहीं है तो आप वाई टाइप कर दीजिए और क्लास को लीव कर दीजिए ठीक है लेकिन अगर कोई डाउट है तो आपने यहीं रहना है और अपना डाउट जो है वो मुझसे पूछना है चलिए